Please subscribe the channel and hit the like button. हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग फिर से एक लेजेंडरी बीस्ट को पकड़ने आए हैं और यहाँ पे राइकू है। इस रूट पे हमें मिलेगा राइकू, तो चलो इंसेंस यूज़ करके एक एक करके देखते हैं कब आता है राइकू, कब मिलता है राइकू। वैसे यार पोकेमॉन सीरीज़ में देखा जाए तो सुकून के अलावा बाकी तीन लेजेंडरी बीस्ट के बारे में इतना कुछ बताया ही नहीं गया। मतलब पोकेमॉन फॉरएवर मूवी जो बनी थी सेलेबी के ऊपर, उसमें भी सुकून ही आता है एंड में सबको बचाने। उसके अलावा पोकेमॉन एनिमे में भी ज़्यादातर सुकून के बारे में ही बताया है। मतलब एंटे और राइकून का कहीं कुछ है ही नहीं। एंटे शायद थर्ड मूवी में आया था, द मिस्ट्री ऑफ अननोन ऐसी कुछ नाम था मूवी का, उसमें आया था एंटे। और यहाँ राइकू मिल गया यार हम लोगों को, पता ही नहीं चला। शायद ये नाइन्थ इंसेंस था और ये राइकू मिल चुका है हमें। चलो बस जल्दी से जल्दी पकड़ते हैं ना, बस इतना हिट करना है इसे। बहुत सही एग्जैक्ट यार, बहुत परफेक्ट टाइम पे बचा उसके लिए। थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे होता ना तो निपट जाता, वो वाकई में निपट जाता। मुझे फॉल्स फाइव मूव चाहिए यार। फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ एक लेजेंडरी पोकेमॉन जो मेरी टीम में सेप्टाइल को रिप्लेस करे। यार सेप्टाइल सच बता रहा हूँ, क्रोबैट के अटैक्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट क्रोबैट अपनी स्पीड की वजह से और कन्फ्यूज़ रे की वजह से वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके बाद मैंने उसे पॉइजन फैंग भी दे दिया है, तो यार वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो चुका है। पहले मैं कंफ्यूज कर देता हूँ, बाद में पॉइजन फैंग यूज़ कर देता हूँ। 50% उसका पॉइजन रेशो रहता है, 50% पॉइजन कर ही देगा। और ये राइकू पकड़ लिया हमने यार, लुक तो देखो यार कसम से। और इसकी टेल जो स्पार्क कर रही है यार गजब। तो यार सेप्टाइल को रिप्लेस करना है, फिर मैं उसे फॉल्स टाइप मूव दे दूंगा। वो एंड में फॉल्स टाइप मूव सीखता है, अभी लेवल शायद 67 या 68 पे सीख जाएगा। तो वो मूव यूज़ करने के बाद पोकेमॉन की मिनिमम 1 HP बच जाएगी। मतलब वो मूव में अगर कॉन्करेंटली यूज़ करते आऊँगा, जैसे इसकी 10 HP थी, मैं इस पर अगर फॉल्स टाइप यूज़ करता तो 1 HP पे रुक जाता और पोकेमॉन को पकड़ना थोड़ा और ईजी हो जाता। चलो अब इसके मूव्स देखते हैं। रिफ्लेक्ट, क्रंच, थंडर, क्विक अटैक, स्पार्क, अच्छे मूव्स हैं यार इसके पास, मस्त पोकेमॉन है। हर लेजेंडरी बीस्ट के पास रोड तो होता ही है। चलो इसका मेगा एवोल्यूशन देखें। सही है यार ये, वैसे यार मेगा एवोल्यूशन इसका नहीं है एक्चुअल में। इस गेम में लेजेंड कुछ लेजेंडरीज का मेगा एवोल्यूशन बना दिया है जो कि एक्चुअल में नहीं होता। एक्चुअल में राइकू का कोई मेगा एवोल्यूशन नहीं है जो एक्चुअल गेम्स हैं बाकी सब में। चलो इसको पार्टी में रख के देखते हैं ये कैसा लगता है जो हमारे पीछे घूमता है। चलो लूगिया को हटा के राइकू को रख के देखते हैं। मस्त लग रहा है यार ये, वैसे में इसका लुक गजब का सबसे शानदार में। वो जो पीछे टेल स्पार्क कर रही है ना इसकी, वो तो ऑसम ही लग रही है यार। ये पोकेमॉन होना चाहिए टाइम। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार, तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक बटन को हिट कर देना, वीडियो शेयर कर देना, और अगर कोई और क्वेरी हो तो वो मुझे मैसेज कर देना। गुड बाय।